जो हमारी मंदी की दर है, जो हमारी बेरोजगारी की दर है और जो शिक्षा की स्थिति, 2 अक्टूबर माह में 8.5% हो गई, जो 8 मतलब किसी भी चीज में घटोतरी नहीं हुई। अगस्त में अगर 8.19 थी तो अक्टूबर माह में 8.5 हो गई। इसी तरह अगर हम देखें जिस तरह से इनके मंत्री और बोलते हैं लोग, वो कहते हैं कि भीख मांगना भी एक बेरोजगार है, रोजगार बेरोजगारी हटाने का काम है, एक रोजगार है। इनके एक मंत्री गंगवार और बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों में काबिलियत नहीं है, तो क्या ये आसमान से पैदा हो गए? इनका एक ही लक्ष्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुचल दो, पूरे देश को खत्म कर दो, कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर। आज इनके पास कोई विकास की योजना नहीं है। और हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द आता है लबरा, लबरा हम लोग कहते हैं झूठे को। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो लबरा है, मतलब जो झूठ बोलता है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। और उनके साथ ही अगर हम देखें, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह की जो संपत्ति बढ़ी, जो व्यक्ति हजारों में जिसने कारोबार शुरू किया लाखों में पहुंचा, लाखों से 15,000 गुनी उसकी संपत्ति बढ़ी। उसकी जो कंपनी है, उसकी कंपनी के पूरे डिटेल भी ये हमारे पास है किस तरह से। और आज आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर भी सारे दिग्गज लोग खड़े और उनका लड़का, चूंकि उनका एक ही लक्ष्य है। आज जहां देश भुखमरी की कगार पे है, बेरोजगारी की कगार पे है, वहीं 1,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी अपना शाही महल बनवाने जा रहे। किसी देश के अंदर आपने देखा होगा, जब एक दौर आया था थोड़ी मंदी थी, तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो इकोनॉमिक क्लास में चलेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का शाही महल बनने जा रहा। इस समय देश को जहां रोजगार की जरूरत है, जहां बेरोजगारी दूर हटाने की जरूरत है, मंदी हटाने की जरूरत है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका जिस तरह उन्होंने बीजेपी कार्यालय बनाया, उस तरह आज वो अपना महल भी बनाने जा रहे हैं। और RCEP के बारे में तो आपको मैंने बताया कि RCEP जो काम करने जा रहा था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी लपक के पहुंच गए, जबकि ऐसा बड़ा निर्णय, वो तो अगर कांग्रेस ने उन्हें नहीं चेताया होता तो वो RCEP के अंदर साइन कर देते, और वही स्थिति होती हर सेक्टर में। अभी हम जो स्थिति हमने देखा, आज कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, किसी भी सेक्टर के अंदर दीपावली त्यौहार जैसा नहीं मना। टेक्सटाइल, एक एक सेक्टर का डाटा है, टेक्सटाइल सेक्टर में हम नीचे आ गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम नीचे आ गए, फूड प्रोसेसिंग में हम नीचे आ गए, हम रियल इस्टेट सेक्टर में नीचे आ गए। एक आर्थिक आतंकवाद अपना रखा है इन्होंने। तो ऐसे में जो हमारा आंदोलन है, जन जागरण आंदोलन है, वो आंदोलन लोगों को ये विश्वास जताने का काम करेगा हमारे, और इस क्षेत्र के हमारे जो प्रभारी महामंत्री हैं, आपने देखा होगा नई हमारी कमेटी बनी है, हमारे भाई बीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ वो हैं, और इस जिले के हमारे सचिव साहब हैं प्रभारी, तो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग होगी। जो आप इसमें ये भी देखेंगे कि पहली बार आज़ादी के बाद से कांग्रेस संगठन में सीमित संख्या में लोगों को जोड़ा, संगठन का एक प्रारूप है, लेकिन इसके साथ साथ जितने सीनियर लीडर हैं, जितने भी पूर्व हमारे जैसे जिला अध्यक्ष थे भाई मुकेश यादव जी, और जितने भी लोग हैं, जो उन सबको भी ये लोग जोड़ेंगे।